नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और मई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध जो है वो 10 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, गुरु 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, शुक्र 19 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य 14 मई को वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल इस महीने आपके पंचम भाव में है, राहु के साथ है और बुध के साथ 10 तारीख तक युति बना रहे हैं। देखिए, लग्नेश का पंचम भाव में जाना और राहु के साथ स्थित होना, तो इस महीने एक तरह से कहा जाए कि महीना काफी एनर्जेटिक है, लग्नेश की पोजीशन बहुत अच्छी है मगर राहु के साथ है, तो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होकर कार्य कीजिएगा। किसी के बहकावे में आकर कहीं पर भी कोई कार्य नहीं करना। यहाँ रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत प्रायोरिटी लेवल पर रहेगी इस महीने, और यहाँ मैं डेफिनेटली कहूंगी कि इस महीने में मंगल राहु की युति की वजह से बहुत ज्यादा हाइपर या बहुत ज्यादा अग्रेशन करने से आपको बचना चाहिए। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड लॉर्ड गुरु बनकर आपके सप्तम भाव में है और द्वितीयेश का सप्तम भाव में जाना, शुक्र के साथ युति बनेगी 18 तारीख से, फिर सूर्य के साथ भी युति बनेगी, तो सेविंग्स में बहुत बढ़ोतरी है। वाणी को आप कार्यस्थल पे बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। एजुकेशन सेक्टर के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा फायदा होगा। फैमिली के मैटर के अंदर मुझे लगता है कोई भी विवादित अवस्था को आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय शनि बनकर आपके चतुर्थ स्थान में है। देखिए, तृतीयेश की पोजिशन को देखते हुए यहाँ पर कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी कार्य के अंदर आपको मुझे लगता है 14 तारीख के बाद आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएंगे, और इनिशिएटिव लेते वक्त आपको अपनी चीजों को लेकर टेक्निकली आपको काफी परफेक्ट रहना पड़ेगा। यहाँ असमंजस की स्थिति डेफिनेटली बनेगी। जब भी आप कोई भी कार्य करेंगे इस महीने, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि लग्नेश राहु के साथ है, और इस कंफ्यूजन की वजह से कहती हूँ कि एक बहुत अच्छी चीज आपके हॉरोस्कोप में अभी चल रही है कि गुरु जो लग्न को भी दृष्टि कर रहे हैं और तृतीय भाव को भी कर रहे हैं, तो ये गुरु आपको बैलेंस करेंगे, ये आपको सही मार्ग दिखाएंगे। आपको किसी की सलाह लेकर कार्य करना चाहिए क्योंकि लग्नेश राहु के साथ है, तो जो भी कार्य करते हैं वहां आपको कोई भी गुरुजन की या कोई भी आप जो भी सुपीरियर हो उनसे आप सलाह लेकर कार्य कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत फायदेकारक परिस्थिति रहेगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ स्थान में शनि स्वग्रही अवस्था में है। प्रॉपर्टी संबंधित और पुरानी प्रॉपर्टी के अंदर रिनोवेशन करवाते हैं, प्रॉपर्टी लेने के लिए बहुत अच्छा समय है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर शनि जो है बहुत ही स्थिर मिलकर देता है, बहुत स्थिर प्रॉपर्टी देता है, और यहाँ प्रॉपर्टी से आपको लाभ ही लाभ मिलकर रहेगा, और मुझे लगता है कि ये एक फायदेकारक परिस्थिति है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश गुरु बनकर सप्तम भाव में है, मंगल राहु की स्थिति है। यहाँ पर जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय कहूंगी मैं। जो दवाइयों से जुड़ा हुआ कोई भी एजुकेशन, नर्स का या कोई भी प्रकार का, फार्मेसी का, इस तरह के कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स कर रहे हैं उनके लिए फायदा है। एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो फायदा है। मंगल राहु की वजह से मुझे लगता है कि रिलेशनशिप बहुत ज्यादा, यहाँ मल्टीपल रिलेशनशिप में अगर आप पढ़ते हैं, एक से दो रिलेशन, तीन रिलेशन, इस प्रकार की प्रक्रिया से कंप्लीटली दूर रहिएगा, नहीं तो आपका जो लाइफ में जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है वो भी आप खो दोगे। तो यहाँ संबंधों में आपको बहुत ज्यादा ईमानदारी रखनी पड़ेगी। पंचम भाव में मंगल राहु की वजह से कहूंगी कि जो भी संतानों की वजह से थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो सकता है, संतानों के लाइफ के वजह से आपको स्ट्रेस हो सकती है, उनके जीवन में कुछ समस्याएं होंगी उसके कारण आपको टेंशन रहेगी, ये चीज कहूं कि संतान से विवाद करने से कंप्लीटली बचिएगा। यहाँ पर पंचम भाव में राहु के साथ जब भी होती है तो व्यक्ति
अपने बच्चों के साथ विवाद करता है, झगड़े करता है, यहाँ उनके और आपके पॉइंट ऑफ व्यू काफी डिफरेंट रहते हैं। और अगर संतान प्राप्ति की इच्छा भी रखते हैं तो आपको यहाँ ट्रैवलिंग बहुत अवॉइड करनी पड़ेगी। सिक्स हाउस की बात करते हैं, सिक्स लॉर्ड आपके पंचम भाव में, सिक्स हाउस में सूर्य और बुध की युति रहेगी। देखिए ये पोजीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि छठे घर का स्वामी जो पंचम भाव में है, यहाँ सूर्य है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत फेवरेबल परिस्थिति रहूंगी। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 14 तारीख के बाद का समय फेवरेबल है। यहाँ पर हेल्थ को लेकर मुझे लगता है कि जो परिस्थिति है, तो स्वास्थ्य संबंधित जो भी गर्भवती महिलाएं उनको भी अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ ब्लड प्रेशर संबंधित समस्याएं, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती है। और यहाँ शत्रु आप पर थोड़ा सा हावी होने की कोशिश जरूर करेंगे, किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। लोन की बात की जाए तो बहुत बड़े लोन को अवॉइड कीजिएगा। सेवेंथ हाउस की बात करते हैं, सप्तम भाव में शुक्र आएंगे, सूर्य भी आएंगे और गुरु यहां पर स्थित ऑलरेडी हैं फर्स्ट में से। तो शुक्र 19 तारीख से भ्रमण करेंगे, 18 दिन तक वो सिक्स हाउस में, फिर सेवेंथ हाउस में जाएंगे। तो मैरिज से संबंधित कोई समस्या है, जो अनमैरिड हैं उनको अगर मैरिज की बात आगे बढ़ानी तो 19 तारीख के बाद आगे बढ़ाइएगा। यहां पर मैं कहूं कि रिलेशनशिप को बहुत बहुत शांति से हैंडल करना पड़ेगा। लव मैरिज की परिस्थिति है तो उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। और गुरु शुक्र की ये जो युति बनेगी, आई थिंक ये मैरिज के लिए बहुत अच्छी है, लव मैरिज के लिए ये योग बनता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको सही पात्र आपको मिलेगा। मगर यही चीज है कि जो भी रिलेशनशिप हो उसके प्रति आप समर्पित रहिएगा। पति पत्नी मिलकर कोई कार्य करना चाहते हैं तो ये समय बहुत फायदेकारक है। पार्टनरशिप करके अगर पति पत्नी साथ में मिलकर कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा है, बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी होगी। 14 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत ही अच्छा है। और 18 तारीख निकलते ही जैसे 19 तारीख को शुक्र सप्तम भाव में आते हैं, वो आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में काफी मदद करेंगे। अष्टम भाव की बात करते हैं, अष्टमेश बुध बनकर पंचम भाव में और फिर छठे घर में, तो यहाँ पर एक चीज के बुध की पोजीशनिंग बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत अच्छी नहीं है, नीचस्त है बुध 10 दिन तक। तो कोई भी हिडन रिलेशनशिप अगर आप डेवलप करते हैं, एक से मल्टीपल कोई रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत खराब होगा इस महीने। आपको मैंने ये क्लियर किया है कि जब भी कोई आप एक से दो या तीन रिलेशन एक साथ चलाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानकारक रहेगा। हिडन रिलेशनशिप आपके गृहस्थ जीवन को खराब कर सकता है। और रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज के अंदर मुझे लगता है इस महीने थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश चंद्रमा है और यहाँ पर मुझे लगता है कि इस महीने बहुत वर्क ओरिएंटेड रहेंगे, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। यहाँ एक चीज जरूर है कि मेडिकल के अंदर कोई भी मास्टर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। दशम भाव की बात करते हैं, दशमेश आपके सिक्स हाउस में और फिर सेवन्थ हाउस में, कार्यस्थल में 14 तारीख के बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो 14 तारीख के बाद कीजिएगा। सुपीरियर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो 14th के बाद आपको उसका सपोर्ट भी मिलेगा। आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, पब्लिक सेक्टर में हैं या कहीं पर भी आपने एग्जाम दिया, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सफलता के योग बनते हैं। और यहाँ पर मैं कहूंगी कि 10th हाउस काफी हद तक स्ट्रांग पोजीशन में आएगा। जैसे ही सूर्य का भ्रमण होते ही आपको आपके हर कार्य के अंदर बूस्टअप मिलेगा। जो लोग जॉबलेस हैं उनको भी जॉब की प्राप्ति होने का पूर्ण रूप से योग बना हुआ है। 11th हाउस की बात करते हैं, 11th लॉर्ड जो है वो पंचम भाव में और फिर छठे घर में, यानी कि केतु स्थित है। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि लाभ में थोड़ा सा आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम रहेगा लाभ, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपका ध्यान भी रिलेशनशिप की तरफ रहेगा।
और फाइनेंशियल गेन में थोड़ी सी कमी है। इस महीने आपका कार्य आगे बढ़ेगा, कार्य बहुत अच्छा भी चलेगा, मगर एक्सपेक्टेशन लेवल को मैच करने में थोड़ा सा समय लगेगा। सेवेंथ ट्वेल्थ हाउस की बात करते हैं। ट्वेल्थ लॉर्ड जो है वो शुक्र बनकर आपके पहले सिक्स हाउस में और फिर सेवेंथ हाउस में, तो मुझे लगता है कि विदेश के कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता है इस महीने। और विदेश जाने के पीछे अगर कोई लोन करना चाहते हैं, वहां पर फायदेकारक परिस्थिति है। यहाँ पर आप कोई भी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं तो वहां पर भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा 19 तारीख के बाद। और ये मैं कहूंगी कि बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की तरफ जाने से आपको बचना चाहिए। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।